Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आओ फिर से दिया जलाए भरी दोपहर में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतरतम का मेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए आओ फिर से दिया जलाए हम पड़ाव को समझे मंजिल हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाए आओ फिर से दिया जलाए। अटल जी की हर पंक्ति में कविता थी, चाहे वो संसद में क्यों ना बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के बारे में एक दफा कहा था, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वो हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वो निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं करते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। शांति, लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद करता हूं। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वो विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम। जब मैं राजनीति में आया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। मैं पत्रकार था और ये राजनीति, जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे रास नहीं आती। मैं छोड़ना चाहता हूं मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। वो राजनेता थे ही नहीं, राजनेता तो उनको विचारों के स्वीकार कर लेने के बाद तात्कालिक स्थितियों ने बना दिया। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधा है आती है आए, घृणे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती आए, गिरे भरने की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम